पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यह दास्तां है एक ऐसी अभिनेत्री की जिसकी खूबसूरती ने सबको हैरत में डाल दिया। इसकी अभिनय क्षमता देख सभी ने वाह वाह की। नाम लीला नायडू। ये खामोशियां, ये तन्हाइयां, मोहब्बत की दुनिया है कितनी जवान। इनकी बड़ी मशहूर फिल्म रही ये रास्ते हैं प्यार के। उसके बाद मर्चेंट आइवरी की फिल्म द हाउस होल्डर भी बड़ी मकबूल हुई। ये वोग मैगजीन के लिए फीचर हुई थी जहाँ पे दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत औरतों की फहरिस्त में ये शामिल हुई, जिसमें महारानी गायत्री देवी भी थी। लीला नायडू का जन्म हुआ मुंबई में। इनके पिता डॉक्टर पतिपति रमैया नायडू एक बड़े जाने माने न्यूक्लियर फिजिसिस्ट रहे, जो कि आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मदनापल्ले इलाके से आते थे। इनके पिता नोबेल लॉरेट मैरी क्यूरी के साथ काम कर चुके थे। इनकी माँ एक जर्नलिस्ट थी और एक इंडोलॉजिस्ट भी, डॉक्टर माथे मांगे नायडू, जो कि खुद स्विस फ्रेंच ओरिजिन की रही। लीला नायडू अपने माँ बाप की इकलौती संतान रही। इनकी तरबियत हुई यूरोप में। स्विट्जरलैंड के जिनीवा शहर के बड़े ही जाने माने स्कूल में इनकी पढ़ाई हुई। मेरे डैडी हिंदुस्तानी थे और मुझे अपने डैडी से बहुत प्यार था, इसलिए मैं हमेशा ये सोचा करती थी कि भगवान करे मुझे भी पति हिंदुस्तानी ही मिले। अभिनय का विधिवत प्रशिक्षण लिया जॉन रोनाओ से। जानी मानी स्वतंत्रता सेनानी सरोजनी नायडू इनकी आंट रहीं। बड़े ही दिग्गज परिवार से ये आई थीं। पश्चिमी संस्कृति में पली बढ़ी, लेकिन जब हिंदुस्तानी सिनेमा में इन्होंने कदम रखा तो अच्छे अच्छों को बता दिया ये कितनी हिंदुस्तानी है। सन 1954 में लीला नायडू ने फेमिना मिस इंडिया का ताज जीता। 1962 की फिल्म अनुराधा में इन्होंने अपना डेब्यू किया था। ये वही फिल्म रही जिसमें बलराज साहनी का भी एक बड़ा जबरदस्त किरदार था। ये फिल्म ऋषिकेश मुखर्जी ने डायरेक्ट करी थी। अपने जमाने के मशहूर फोटोग्राफर कमला देवी चट्टोपाध्याय ने लीला नायडू की एक तस्वीर निकाली थी। उस तस्वीर को देखकर ऋषिकेश मुखर्जी ने इन्हें अपनी फिल्म में लेने का फैसला किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो कोई खास कमाल ना दिखा पाई, लेकिन नेशनल फिल्म अवार्ड पर बेस्ट फीचर फिल्म से इसे नवाजा गया। इस फिल्म का संगीत दिया था पंडित रविशंकर ने। ये रात मेरी जिंदगी की बदतरीन रात थी। अशोक से ज्यादा भरोसे का दोस्त और कौन हो सकता था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि इस फरेबी दुनिया में इंसान को किसी पर भी भरोसा नहीं रखना चाहिए। इसके बाद लीला नायडू के अभिनय की बहुत तारीफ हुई थी और फिर नितिन बोस की उम्मीद में ये नजर आई। साथ में थे अशोक कुमार और जॉय मुखर्जी। आर के नैयर ने एक फिल्म बनाई थी ये रास्ते हैं प्यार के। मशहूर नानावटी केस पर यह फिल्म आधारित थी। इसमें इनके हीरो थे सुनील दत्त। मर्चेंट आइवरी की फिल्म द हाउस होल्डर में नजर आई थी। इनके हीरो थे तब शशि कपूर। हाउस होल्डर के बाद महान फिल्म मेकर सत्यजीत रे ने मन बनाया कि एक फिल्म बनाएंगे द जर्नी, जिसमें मार्लन ब्रांडो, शशि कपूर और लीला नायडू होंगी। अफसोस की बात यह रही कि वो फिल्म डिब्बे में बंद हो गई। मुझे मालूम है कि शायद अब तुम मेरे साथ नहीं रह सकोगे और मैं तुमसे कह भी क्या सकती हूँ, मैं तुम्हारे काबिल ही न रही। लीला नायडू को फिल्म गाइड के लिए भी चुना जा रहा था, पर चूंकि किरदार एक नृत्यांगना का था इसलिए वहीदा रहमान को चुना गया। 60 के दशक में ये फिल्मों से कुछ वक्त के लिए दूर हुई और फिर नजर आई सन 1985 की फिल्म जिसे श्याम बेनेगल ने बनाया था, नाम त्रिकाल। इस फिल्म में भी इनका अभिनय देखते ही बनता था। इलेक्ट्रिक मून, जो कि सन 1992 में आई, ये इनका आखिरी किरदार था। राज कपूर साहब ने कई मर्तबा चाहा कि लीला नायडू इनकी फिल्मों की हीरोइन बने, पर हर बार इन्होंने इनकार कर दिया। लीला नायडू बाद में डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग में आ गई। इनके निजी जीवन की तरफ रुख करें तो पता चलता है कि जब ये मात्र 17 बरस की थीं, इन्होंने तिलक राज ओब्रॉय से शादी कर ली, जो कि मोहन सिंह ओब्रॉय के बेटे थे। वही ओब्रॉय जिनके बहुत सारे होटल्स हैं। तिलक राज 33 बरस के थे और ये 17। इस शादी से इन्हें जुड़वा बेटियां हुई, माया और प्रिया। ये शादी हालांकि ज्यादा चल ना पाई,
और फिर तलाक की शक्ल ले ली और ब्रॉयज दोनों बच्चों की कस्टडी जीत गए। उनसे कह देना कि उनकी मां मर चुकी है, उनको समझाना, मेरी तरफ से प्यार करना, जिद करे तो कभी मारना नहीं अनिल। मैंने बड़ी मोहब्बत से बच्चों को पाला है। लीला नायडू की मुलाकात हुई फिलोसोफर जिडू कृष्णमूर्ति से। 1969 में इन्होंने दूसरी शादी की कवि दोम मोरियास से, शहर था मुंबई। उसके बाद ये हांगकांग में रहे, न्यूयॉर्क में रहे, नई दिल्ली में रहे और फिर तकरीबन 25 बरस मुंबई में। दूसरी शादी से भी ये अलग हो गईं और फिर मुंबई के कोलाबा इलाके में रहने लगीं। इनके नाती एडम ओब्रॉय बेटमैन और एडवान श्रीकांत हैं। लीला नायडू की एक गॉड डॉटर भी हैं, उपाली उपरजिता, जो इन्हें मिली थी ऋषि वैली स्कूल में। वो जाने माने ओडिशी नृत्यांगना हैं। लीला नायडू के आखिरी के दिन बहुत अकेलेपन में बीते। कोलाबा की एक जाने मानी गली के सार्जेंट हाउस में रहीं। आर्थराइटिस ने इन्हें बहुत परेशान किया था। अपने घर में इन्होंने कुछ पेइंग गेस्ट भी रखे ताकि इनका खर्चा चलता रहे। 28 जुलाई सन 2009 वो तारीख बनकर आई जब लीला नायडू ने हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़ दी। भारतीय सिनेमा के इतिहास में लीला नायडू जैसी मुख्तलिफ अभिनेत्री ना कोई थी और ना ही होगी। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।